Good morning, students. Hope all of you are doing good. Now, in this video, you will learn how we can create a slider. चलिए हम लोग देखते हैं कैसे. सबसे पहले इसके लिए कुछ इमेज की जरूरत होगी हमें. हमने कुछ इमेज हमने यहाँ पे फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस रखे हैं जो कि हमें स्लाइडर बनाने के लिए जरूरत होगी. तो 1.jpg 2, 3, 4, 5 फाइव इमेजेस हैं यहाँ पे. इसके लिए सबसे तो पहले हम फाइल बनाएंगे. इसमें हेड सेक्शन एंड टाइटल स्लाइडर नाउ एड पी क्लोज बॉडी सेक्शन नाउ कैन क्लोज द बॉडी एंड द एस्टिमेट. फाइल को भी हमने स्लाइडर डेस्कटॉप पे हमने स्लाइडर नाम का इसको हम स्लाइड स्लाइडर डॉट एचटीएमएल नाम से इसको भी अब इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे बॉडी एक डिव कंटेनर ले लेते हैं डिव जिसका कि कोई आईडी इक्वल टू div close. Inside a div हमने एक इमेज img src में जो हमने एक इमेज रखा है दैट इज 1, 2, 3, 5 dot jpg एंड इसका हमें इस आईडी की जरूरत होगी. आईडी हमने इसका इमेज. और अगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई इमेज पे माउस ओवर करे तो क्या होना चाहिए, वो टाइम पे इमेज क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए. और जैसे ही माउस को, तो इसके लिए हम लोग ऑन माउस ऑन माउस ओवर इवेंट का यूज करेंगे जैसे कि इमेज पे. और जैसे इमेज पे ये क्या हो जाए, स्टॉप हो, तो स्टॉप फंक्शन हम लोग एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे स्टॉप. और दूसरा फंक्शन हम लोग सेम दूसरा इवेंट हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट. तो जैसे ही माउस स्टार माउस को माउस आउट इक्वल टू हमने यहाँ पे स्टार्ट किए और माउस ओवर पे हमने स्टॉप और यहाँ पे हमने क्या करना है, माउस आउट पे हमने स्टार्ट एक फंक्शन बनाना है हमें. और स्टार्ट फंक्शन कॉल करना है. तो हमने ऑन यहाँ पे हमें फंक्शन की जरूरत होगी. सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे हम फंक्शन स्टॉप. स्टॉप फंक्शन हमने यूज करना है. फिर उसके बाद हमने फंक्शन एक फंक्शन हमें बनाना होगा यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट. और ये सारे की सारी चीजें हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर. स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज. चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि स्टॉप पे जब हम क्लिक करें अलर्ट अलर्ट कुछ मैसेज डिस्प्ले कराते हैं हम यहाँ पे स्टॉप. तो अगर हमने इस यहाँ पे ये फंक्शन को हमने ये इमेज इमेज 5 dot jpg हमने की स्टॉप ये फंक्शन माउस जैसे ही ओवर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्टॉप ये फंक्शन कॉल हो रहा है.
और इसी तरह से जब मैं इस फंक्शन को, तो इसको कमेंट कर देते हैं हम इस फंक्शन को, और जब ये स्टार्ट फंक्शन जब कॉल होगा, ये यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट। तो अभी हमने इसको कमेंट कर दिया, स्टार्ट फंक्शन को देखते हैं कि जब भी माउस आउट करे तो ये, अब माउस ओवर के बाद जो है ये माउस जब भी आउट होगा ये स्टार्ट फंक्शन को। तो हमें दो फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट और ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें इमेज की जरूरत होगी हमें। जो भी इमेज लिया है हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरे टाइप होगा। इमेज जो है हमने एक ले लेते इमेज, और इस इमेज को जितने भी हमने एरे क्रिएट करते, पहले पहला एरे में हमने पहला इमेज है 1, हमारा इमेजेस जो है वो है हमारे 1 to 5 लिया है, जिससे कि हमें 1.jpg है हमारा इमेज। दूसरा इमेज का नाम हमने रखा है, इसी तरह से हमने कॉपी कर लेते इस इमेज को, 1.jpg, 2.jpg, 2.1.jpg, 2.jpg, तीसरा है हमारा, थर्ड है 3.jpg, इमेज का नाम है 4, और फिफ्थ इमेज जो है वो हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज द फिफ्थ। तो हमने यहाँ से, और इसको हम सेमी कॉलन से क्लोज कर, अब हमें क्या करना है कि जब इमेज हमने यहाँ पे एक एरे में ले लिया इस इमेज को, अब इस इमेज के लिए भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम इस फंक्शन को हमने कॉल, फंक्शन का नाम देते हैं फंक्शन, दैट इज द चेंज, चेंज इमेज नाम का एक फंक्शन को बना लेते हैं। इसमें इस फंक्शन में हमने सबसे पहले इस एलिमेंट को हमने, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे इमेज को हमें शो करना है src में, तो इसका आईडी है इमेज। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, इस डिव को एक्सेस करने के लिए हमें एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कैपिटल एलिमेंट बी कैपिटल आई कैपिटल डी, और जो आईडी है उसका, आईडी का नाम है इमेज, तो हमें लिखेंगे इमेज। अब इस आईडी को हमने, इसका हमें क्या करना है, इसका इमेज कैसे आएगा, आई इमेज सोर्स से, तो दैट इज द सोर्स पी का यूज करेंगे, इमेज src प्रॉपर्टी। और फिर इस इमेज को, अगर एक इमेज को हमें यहाँ पे दिखाना है, इमेज का अगर मुझे फर्स्ट इमेज को डिस्प्ले कराना है, तो इमेज यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज और इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे पहला एलिमेंट को 0 है, बट हमें एक के साथ दूसरा इमेज चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इमेज का जो इंडेक्स वैल्यू है, तो इसके लिए हमने पहले इसको लूप में यहाँ पे हमने आई वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे पहला इमेज आए, और आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू को i++ यहाँ पे, बट वैल्यू हमें फिर डिफाइन करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेयर आई इज इक्वल टू, हमने इनिशियल वैल्यू 0 कर देते हैं, और एक की और जरूरत होगी, आई आई डी इज इक्वल टू भी हमने यहाँ पे 0 यूज कर लेते। अब आईडी जब हमारे कितने इमेज है, 1, पहला इमेज तो हमने यहाँ पे 1.jpg, 1, 2, फर्स्ट इमेज के लिए हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 इमेजेस हैं यहाँ पे हमारे पास। अब अगर इमेज का लेंथ हमें काउंट करना पड़ेगा, अगर इमेज का लेंथ अगर इक्वल होता है, तो फिर इमेज जो है पहला स्टार्ट होगा 0 एलिमेंट, तो पहला इमेज 0 इंडेक्स जिसका हो। तो हमने यहाँ पे अगर अगर इमेज का जो लेंथ है, इमेज आई की वैल्यू है इक्वल टू, अगर
इक्वल टू टोटल लेंथ कितना है, कैसे फाइंड करेंगे लेंथ, दैट इज द इमेज डॉट, इमेज डॉट लेंथ। अगर आई की वैल्यू इमेज डॉट लेंथ है तो आई की वैल्यू क्या हो जाए, आई की वैल्यू जो है वो इंडेक्स वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। फिर 0 से स्टार्ट होगा इमेज। अब इस तरह से हमने स्टार्ट फंक्शन पे क्या होना है, हमें जब स्टार्ट हो तो हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। स्टार्ट में क्या होगा, चेंज इमेज जो फंक्शन बनाया है हमने उस फंक्शन को हमने कॉल करना है। अब स्टार्ट फंक्शन के लिए हमें करना होगा सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आईडी, जो कि हमने वहां पे इनिशियल आईडी की आईडी इज इक्वल टू हम करेंगे सेट इंटरवल, इंटरवल फंक्शन का यूज करेंगे हम। और यहाँ पे हमने चेंज इमेज, और इसका टाइम इंटरवल मतलब 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी है इसको हमने मिली सेकेंड में यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1000, यानी कि 1 सेकेंड के बाद हर दूसरा इमेज जो है वो। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे स्टॉप पे क्या करना है, सेट इंटरवल। तो हमने इसका इंटरवल दिया है पहला इमेज, दूसरा स्लाइड में जो डिस्प्ले होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस इमेज को क्लियर कर देना, जो भी हो इस आईडी को लिख देंगे यहाँ पे क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल, और इसका उल्टा हो जाए क्लियर, क्लियर इंटरवल, और हमने यहाँ पे लिख देना है आईडी, आईडी पास कर देना इस आईडी का स्टॉप पे, ये आईडी यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं इसको हम। अगर हमने अब इसके लिए एक, अब हमें क्या करना है इस इमेज को, जैसे ही अभी तो हमने इवेंट जो है सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि जैसे ही पेज लोड हो तो फिर यहाँ पे हमने इस इमेज को बॉडी पे ऑन लोड इवेंट पे हमने क्या करना है, ऑन लोड इवेंट पे हमने सबसे पहले स्टार्ट को फंक्शन को कॉल करना, स्टार्ट स्टार्ट जो है हमने। अब ये जैसे ही पेज लोड हो तो हमारा ये इमेज एक के बाद दूसरा ये कॉल हो जाए, और फिफ्थ इमेज जैसे ही फिफ्थ इमेज है इक्वल होगा फिर 0 से स्टार्ट हो जाए। इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे माउस ओवर करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे माउस जो है वो जाए, और जैसे ही मैंने माउस आउट करूँ, माउस ओवर और माउस, जैसे माउस ओवर करूँ स्टॉप हो जाए, स्टॉप, और ये माउस आउट है, जैसे ही माउस आउट होगा ये यहाँ से हम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने स्लाइडर कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमने माउस ओवर इवेंट का क्या यूज है, माउस ओवर इवेंट भी सीखा हमने, माउस आउट कैसे करेंगे, और जब इमेज सेट इंटरवल का क्या काम होता है, अगर हमने जैसे कि अब क्लॉक में भी देखा है, जैसे क्लॉक बना रहे, क्लॉक अगर स्टैटिक है उसको अगर हमने सेट इंटरवल फिक्स करना है 1 सेकंड के बाद वो नेक्स्ट इंटरवल जो है उसका हर 1 सेकंड के बाद हमें उसको टाइमर दिखाना है। अगर मैं यहाँ पे 2000 दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे 2000 मिली सेकंड में यहाँ पे है टाइम। तो यहाँ पे हम आप इसको पास भी कर सकते हैं और इसको स्लो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो चेंज इमेज फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे, और इस तरह से हम सीएसएस भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए, स्लाइडर के लिए बना सकते हैं सीएसएस, और इसको और अट्रैक्टिव ने सीएसएस का स्टाइल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टाइल और स्टाइल उस करके बॉक्स है, हमने बॉक्स यहाँ पे आईडी बॉक्स लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं और आईडी इज इक्वल टू आईडी विड्थ, विड्थ दे देंगे यहाँ पे 500,
पिक्सेल हाइट 250, सेल बॉर्डर, बॉर्डर प्रोफाइल पिक्सेल सॉलिड, इस तरह से हमने इसको और इमेज का भी सीएसएस बॉक्स, जैसे यहाँ पे हमने बॉक्स लिखना है, और फिर इसके लिए इमेज के लिए क्लास हमने बॉक्स, और आईएमजी के लिए भी हम यहाँ से क्लास। तो आई होप कि स्लाइडर जो हमने बनाया आपको समझ में आया होगा। स्लाइडर आसानी से आप बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में स्लाइडर। और थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो।